इसी महीने के शुरुआत में कुछ नियम में बदलाव हुआ है। वो जो बदलाव थे वो यातायात में थे। बदलाव ये थे कि अगर कोई आदमी बिना हेलमेट का पकड़ा जाएगा या ट्रिपल लोडिंग पकड़ा जाएगा या कहीं नो पार्किंग जोन में गाड़ी पार करता है तो जुर्माना लगेगा। जुर्माना तो पहले भी लगता था लेकिन जुर्माना का जो दर है वो कई गुना बढ़ा दिया गया। यातायात नियम है वो पब्लिक के पक्ष में है। पब्लिक को ज़रूर चाहिए कि वो हेलमेट पहने, पब्लिक को ज़रूर चाहिए कि वो सारा कागजात रखे, लेकिन जब कोई नियम अगर पब्लिक पे भारी पड़ने लगे, उसका नजायज़ फ़ायदा उठने लगे तो सच में वो नुकसानदायक होता है। अब देख सकते हैं पिछले लगातार एक सप्ताह में कई वीडियो वायरल हुआ। एक वीडियो ऐसा भी वायरल हुआ कि एक व्यक्ति स्कूटर लेके जा रहा था, वो स्कूटर की कीमत 15,000 थी लेकिन उससे जुर्माना 23,000 तक वसूला गया। इसी तरह का एक वीडियो बक्सर में भी वायरल हो रहा है। उसमें देखा जा रहा है कि एक युवक है जिसका नाम राज कमल बताया जा रहा है। इस युवक ने सवाल कर दिया, आप हेलमेट नहीं पहने हैं। वीडियो में साफ दिख रहा है कि इस हेलमेट वाले सवाल पे दरोगा जी भड़क गए और भड़कने के साथ ही उस व्यक्ति का कॉलर पकड़ लिए और कॉलर पकड़ के खींच रहे हैं, बोल रहे हैं कि चलो हम तुमको अरेस्ट करते हैं। युवक वीडियो में ये कहते भी दिख रहा है कि हम डीएम साहब से बात कर रहे हैं, इस सवाल पे हम बात करेंगे। इतनी वापसी की देर थी कि प्रशासन ने उनको गिरफ्तार किया और उसके बाद से इस थाने में बंद कर दिया गया। यही वो थाना है जिसमें अभी राजकमल बंद है। बक्सर के जो लोग हैं, जो आम पब्लिक है, उनका कहना है कि इस तरीके से पुलिस का खुलेआम जो है जोर जबरदस्ती है, क्योंकि नियम जो पब्लिक के लिए है वही नियम प्रशासन के लिए भी होना चाहिए। टाउन थाना के जूनियर SI हैं रोशन कुमार जी, ये गाड़ी चला रहे थे बाइक और बिना हेलमेट के चला रहे थे, तो एक युवा ने उनसे पूछा, भाई आपके लिए नियम नहीं है, आप लोग तो सबको पकड़ रहे हैं, क्या आपके लिए नियम नहीं है? बस यही बात उनको बुरी लग गई, उसके साथ गाली गलौज किया, उसको ज़बरदस्ती गाड़ी में बिठाया, ले आकर लॉकअप में बंद कर दिया। जब हम लोगों को ये बात पता चली, हम लोग आए, SP साहब से बात हुई, DSP साहब आए थे, उनसे बात हुई, बोले कि हम बात करते हैं आप लोगों से, मालूम नहीं क्या बात चल रही है, उस लड़के को बंद रखा गया है। बिल्कुल हम इसके पक्षधर हैं कि ट्रिपल लोडिंग नहीं होना चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं कि हेलमेट पहना जाना चाहिए, लेकिन अगर डेमोक्रेसी में कोई जनता भी सवाल करता है तो उसका भी उतना ही अधिकार है। आज राजकमल इसमें अरेस्ट हैं, प्रशासन की तरफ से कहा जा रहा है कि बहुत जल्द ही उनको रिहा कर दिया जाएगा। सवाल ये नहीं है कि रिहा किया जाए कि नहीं किया जाएगा, सवाल ये उठता है कि हर जगह इस तरह की मीटिंग की जाती है कि पुलिस प्रशासन और जनता के बीच एक मैत्री संबंध हो। आज भी SP साहब ने क्राइम मीटिंग किया जिसमें कई नियम कानून बताए होंगे कि कैसे पब्लिक से निपटना है। ये जुर्म है, आप सबको पकड़ रहे हैं, पूरे ज़िले भर के लोगों को आप पकड़ रहे हैं, उनका चालान काट रहे हैं। अगर एक युवा आपसे पूछ ही देता है तो ये कौन से ईगो पे लेने वाली बात है? कौन सा बड़ा आपको उसने गुनाह कर दिया, गाली दे दी आपको? उसने यही पूछा ना कि आप क्यों नहीं लेके चलते हैं भाई। लोगों का कहना ये भी है कि इनका चालान कटा था इसीलिए गुस्से से आके ये बदतमीजी की पुलिस प्रशासन के साथ। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई ऐसा मामला नहीं था। वो लड़का रास्ता पकड़ के जा रहा था और उसने देखा कि ये गाड़ी चला रहे हैं, उसने हाथ दे के बाकायदा रोका। ये उन्होंने खुद अभी हम लोगों से अंदर ये बात कही कि हमको रोका, तो मैंने पूछा कि क्यों रोके, उन्होंने पूछा कि क्यों रोके, तो बोला कि आप सबका आप लोग चालान काट रहे हैं और खुद ही बिना हेलमेट के घूम रहे हैं। बस यही बात उनको, तुम्हारी हिम्मत, तुम हमसे पूछोगे कि हम क्यों बिना हेलमेट के घूम रहे हैं? अरे आप पुलिस हैं, आप कानून से बाहर हैं, वो भी कानून में के अंदर ही आते हैं। जो कानून उस लड़के के लिए वही कानून पुलिस वाले के लिए भी है। आप वीडियो देख सकते हैं, कई जगह तैर रहा है,
सवाल हमारा फिर से वही है कि पब्लिक को भी सवाल करने का अधिकार है कि नहीं। दरोगा जी से ये लोग सवाल पूछ रहे हैं सोशल मीडिया पे। मैं बिमल कुमार, सिटी न्यूज़, बक्सर।